की अभी सगाई फिक्स हो गई है। बड़े ना ब्लॉग बहुत दास होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारे घर का रूट है, ये इसको वैसे नंदी बोलते हैं हम, बस ये नाला है। तो हम बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर पड़ता है बस हमारा अंदर घर। तो ये पहले बहुत यहाँ पे बहुत पानी भरा रहता था, जब हम हमारे पापा और के टाइम पे यहाँ पे बोलते हैं बहुत ज़्यादा पानी से नदी आती थी। तो ऐसे बन गया, देखो ऐसे कितना अच्छा व्यू है देखो हमारे गाँव का। तो आप बने रहिए वीडियो को, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। मम्मा के पास चलेगा बिट्टी, तो मम्मा के पास चलेगा सितारी। आज सितारी आ गई है, इसने अपनी लाज निकाल ली। चलो काहे को कौन है? जरा प्रवेश करगा कपड़ा तो बदला गोलू कोट जाए हाँ? गोलो किधर छुप रही है? गोलू है और... तू आ रही थी फोन मम्मी पूरी पूरी आ रही थी तो कल क्या लोग रहा था। एक गन्नू है, गन्नू कैसे एग्जाम पेपर कैसे हुए तेरे? गन्नू मेरी टाइगर इस बार और एक गोलू है, गोल पिक नीचे से मेरी टाएगी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर और ये यहाँ पे भी देखो कार्टून देख रहा है, दिखाते हैं देखो। और गोलू की तरह गोलू इतनी बॉडी अभी बड़ी कार्टून देखती रहती है वैसे। देखो इसका देखो ध्यान बिल्कुल एकदम कंसंट्रेशन देखो इसका। बोलो हम आ चुके हैं मेरे ससुराल में, आपको मेरा ससुराल दिखाती हूँ। ये बाहर का व्यू है और ये इसकी बहनों के पास आ चुका है। ये इसकी बड़ी वाली बहन है, इधर देखो गोलू, ये इसकी सबसे बड़ी वाली दीदी है गन्नू, ये गोलू इससे छोटी, और दो बहनें नहीं हैं इसके, लखनऊ गई हुई है वो। ये हमारा ऊपर का पोर्शन है, आपको अंदर से दिखाती हूँ मैं। ये हॉल है, और ये किचन है हमारा छोटा सा, वो मैं हूँ किचन है, और ये हमारा बेडरूम है। अभी थोड़ा बच्चे ने ऐसे कर रखा है, ये बेडरूम है, ये मैं हुई, और ये दूसरा कमरा है, और ये ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है। अभी लाइट नहीं आ रही तो वहाँ पे अंधेरा है, तो आपको कभी फिर दिखाएंगे। तो अभी आप ऊपर का देख सकते हो, हमारा छोटा सा पोर्शन है ये। गांव में देखो कितनी अच्छी ग्रीनरी है, बाहर का व्यू कितना अच्छा है। मैंने
मैं कर रही हूँ अभी दूध गरम और बर्तन साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिया। अब मैं उसको खाना खिलाऊंगी, फिर हम जिम में जाएंगे, फिर आपको बताती हूँ आगे का। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गाँव में, और गाँव में आज मेरे अंकल के लड़के की जॉब लगी है दिल्ली में स्टेनो में, वही मेरे साथ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। तो उसके प्रोग्राम है महाराज के, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है, बने रहिए वीडियो के साथ। अब जाके मुझे बात कौन सा और मामा मदन ने पुलिस बंद कर दिया, लेगा 11 लेगा बस बंद कर लेगा। तो दोस्तों ये मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं आज, आज हमारे दीपक जी की स्वामी है, दीपक स्टेनो है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, है ना, और मेरे साथ ही वहाँ पे। तो दीपक को आज 2 साल कंप्लीट हो गए हैं जॉब में, और आज हमारे महाराज के यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा है बढ़िया सा। तो और ये भाई साहब भी है, इनका भी इन्होंने ऑलरेडी पहले कर चुकी है, इनकी अभी सगाई फिक्स हो गई है, और अब जल्दी किरण मीणा लड़की का नाम है। ये सब मैं तो पता रहा, मुझे नहीं पता ये बोल किरण नाम है किरण सवाई माधोपुर की। अब वो कहीं की भी हो लेकिन अपन को तो बस माल खाना है, तो हम ऊड़ी बोला मामा ऊड़ी बताओ मामा को केवल मामा है तो दोस्तों बड़े रहना, ब्लॉग बहुत दास होने वाला है, इसकी शादी होने वाली है, और ये अभी राजकुमार बोलेरो और 5 बीघा का फार्म हाउस चाहिए इसको शादी। तो ये हमारी बच्चा पार्टी है, देखो बैठे हैं, ये प्रियंका दीदी है, प्रियंका दीदी बस्ती कोचिंग करती है और बीएससी से पास आउट है, अच्छी परसेंटेज बनी थी इनकी 12th में, और ये गोलू है टोड़ा की टोड़ बट इंटेलिजेंट हो गया अब काफ़ी, और गन्नू है, गन्नू का रिजल्ट आने वाला है, और ये शिवानी दीदी है, इनसे मिली है, ये हमारी बुआ से बहुत थारी, और ये इसी का से मिलाना भूल गया मैं, इसी का दीदी है अपनी, और ये डुग्गू है, ये कल के ब्लॉग में आने वाले हैं, तो ये बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे कल के ब्लॉग के लिए। तो हेलो दोस्तों, अब मैं हमारे जो मेरी मम्मी है उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और गोलू दिखाएगी हमारा बाड़ा जिसमें हमारे भैंस से गाय सब रहती है, तो गो देखेंगे हमारा भैंस का बाड़ा, और गोलू दिखा रही है भैंसों का बाड़ा, तो आप देखो मेरी मम्मी सामने है, मम्मी से मिलाते हैं अभी। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस केवड़ी से, केवड़ी चल गोलू या तो इसको मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से पाला, इसको मम्मी कहाँ से लेके आई थी इसे, इसको मम्मी ने बचाया इसको, मतलब छोटी जो बेबी को दूध पिलाने वाली निप्पल से इसको दूध पिलाया था, देखो कितनी बड़ी हो गई है, और ये है मेरी मम्मी, ये मेरी मम्मी दोस्तों, देखो मिलिए भैंसों का काम कर रही है, और ये इनका भैंसों के लिए खाना है, काय खोजिन मम्मी, और काय खोजिन मम्मी शांति कर रही है मेरी मम्मी, ये तो शांति बोलते हैं, शांति करिए मम्मी, और देखो ऐसे शांति करते हैं, इसमें तूड़ा और तूड़ा और काय रोज में हरिओ, मतलब पान रोज नीमड़ी का पान, एडू नीमड़ी का पान, हाँ काशनी, और मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी सारे दिन बस भैंसों में लगी रहती है, भैंसों के साथ ही इनका टाइम पास होता है एक तरह से, और केड़ी है मम्मी की फेवरेट, और उधर सीता और जीवन जाने की तैयारी में है, तो उनसे मिलाते हैं, और मम्मी का तूड़ा, यहाँ देखो ये तूड़ा, इसको बोलते हैं तूड़ा, ये यहाँ पे भर रखा है, इसमें जो हरे पेड़ होते हैं उनके पत्ते वत्ते मिला के फिर वो करते हैं, तो ये बाड़ा मम्मी का पूरा देख सकते हो आप, कितना बढ़िया से मम्मी ने भी इसको, इसमें बेल पत्र के पेड़ हैं, देखो दोस्तों बेल पत्र भी आ रहे थे, फिर कितने मोटे मोटे बेल पत्र आ रहे हैं, और मैं दिखाता हूँ, और देखो नींबू के हैं, मौसमी के हैं, ये नींबू के पेड़ है पूरे,
और ये रात को भैंसों के अंदर रखते हैं, तो बहुत अच्छा बना रखा है मम्मी ने। और ये हमारे अमरूद के पेड़ है, और ये हेलोजन लाइट लगी हुई है रात को बड़े उजाले करने के लिए। और देखिए आप, और मामा हमें, मैं आपको अभी गैंग से मिलाता हूँ, जो अभी हमारे प्रोग्राम हुआ था ना जिसका मैंने अभी दिखाया था, वहाँ जीप ने जा रही है, तो उसमें सीता है और बच्चे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, हमारा मकान ये सामने है, जो ये वाला हमारा मकान है, ये मेरे पापा ने बनाया था, ये मतलब बहुत अच्छा से अच्छे से बना हुआ अंदर से। और सीता बैठी है वहाँ पे, और ये देखो पूरा मकान हमारा ये, और ये डम्बू बैठा हुआ है पलक की गोदी में, और एक गोल रेडी होगी तो जिम रुक रहा हूँ भाई जी, मैं आओ ये देखो ये कैसे फिर गोदी में आएगा, तो कैसे आएगा ये नहीं आते उतार दे पका पका बोलो कहाँ छट रहा है बेटी तू, मम्मी कहाँ छट रहा है बेटी, दादी के साथ छट रहा तू है, चलो छटो देख छट जाओ मम्मी खुद ही काय को पड़े तो खूब सीख पक्को को, चलो छटो 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 चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसी बकरी अपनी? तो दोस्तों हम बकरी दिखाते हैं इसको, अच्छा बकरी ये बकरी 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 हमारी। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे ससुराल, और आज मेरे ससुराल में भी फंक्शन था, स्वामिनी थी, तो अब हम जिम के बस फ्री हुए हैं, और अब मैं कल जाऊंगी मेरे घर पे, वहाँ पे भी बहुत स्पेशल प्रोग्राम है, तो आप देखना वो इसके इस प्रोग्राम के लिए मैं स्पेशली आई हूँ ज़्यादा दिल्ली से, तो आप बने रहिए हमारे सब लोग भी, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मिलते हैं आगे बोलूं क्या कर रहा तू, मामा के जाएगा कल बेटी, तू मामा के जाएगा कल, तेरा टीवी बंद हो गया।